वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पिज्ज़ा। ये बहुत आसानी से भी बन जाता है और आपको ना ही रोटी बनाने की ज़रूरत है और बेस भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें लगेगा टमाटर, गोभी, प्याज और शिमला मिर्ची। तो अब हमने इन चारों को अच्छे से बारीक कट कर लिया है। तो और हमें चीज लगेगा, पिज्जा सॉस और टमाटो केचप, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, बासिल ओरिगैनो, रेड चिली फ्लेक्स, काला नमक और नमक। सबसे मेन चीज ब्रेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम सब ये सब्जियां मिला लेते हैं, टमाटर, गोभी, प्याज और शिमला मिर्च। तो अब हम इन सबको मिक्स कर लेना है हमें। तो अब ये सब हमें इसमें मिला लेना है। हमने ये सब डाल दिया है, काला नमक, चिली फ्लेक्स। हम अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से घुल मिल जाए। अब हम इसमें पिज्जा सॉस लगा देंगे। अब साथ ही हमें टमाटो केचप भी लगाना है। अब हम इन्हें अच्छे से स्प्रेड कर देंगे हर जगह ताकि हमें अच्छी इसकी टेस्ट आए। तो अभी अच्छे से स्प्रेड हो गया है। तो अब हम इसमें हमने जो मैं वेजिटेबल स्प्रेड बनाया था वो हम अब इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ से। अभी हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया। तो अब हम इस पे चीज स्प्रेड कर देंगे। हमें हर तरफ अच्छे से चीज स्प्रेड करनी है ताकि वो अच्छा सा चीजी फील आए। भाई मुझे तो ज्यादा ही चीज पसंद है, इसके लिए मैं ज्यादा ही चीज डाल रहा हूँ। अगर आपको कम चीज पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। हमारा तवा जब तक गर्म होता है तब तक हम कुछ और पीसेस बना लेते हैं। तो अब हमारा तवा गर्म हो चुका है। तो अब हम इस पे बटर लगा लेते हैं। आप अपना घी भी लगा सकते हैं। जो हमने हमारा ब्रेड पिज्जा रेडी किया था वो हम अब उस पे रख देंगे। हमें इसे कम आंच पे ही सेकना है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। हम इसे देख लेते हैं। तो ये अच्छे से अब तैयार हो चुका है। तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे और प्लेट में सर्व कर लेंगे। और अगर आपको ऐसे ही खाना है तो आप ऐसे भी खा सकते हो। अगर आपको कट करके भी खाना है तो आप कट करके भी खा सकते हो। देखिए कैसी क्रिस्पी आवाज आ रही है। तो हम इसे नीचे से भी देख लेते हैं। ये नीचे से भी अच्छा बना है। हमें इसे ज्यादा जलाना नहीं है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि फ्लेम कम ही रखना है हमें। अगर आपको कट करके खाना है तो आप कट करके खा सकते हो या फिर ऐसे ही। मैं अब आपको खा के दिखाता हूँ। यम्मी, ये बहुत ही क्रिस्पी है। अगर आप कम आंच पर करेंगे तो ये जलेंगे नहीं और क्रिस्पी बनेंगे, और अगर आप फुल फ्लेम पे करेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे और जल भी जाएंगे। इस रेसिपी के लिए हमें कुछ भी देर नहीं लगी है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार घर पे जरूर ट्राई करना और कमेंट में मुझे बताना कैसा लगा।